हे गाइस, वेलकम। आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। और आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और गाइस अभी फ़िलहाल में तो अपन सभी कामों से मतलब नाश्ता कर लिया पढ़ने और आराम से ना धोकर फ्री हैं। और गाइस अभी फ़िलहाल में तो अपन आए हैं, मेरे मामा जी की स्कूल है, तो मेरे पापा के मामा जी तो उनके स्कूल में आए। तो अभी यहाँ से आज अपन को डोसा चलना था, लेकिन यार क्या है, आज इन्होंने रोक लिया। ऐसे बोले कि यार नहीं जाने दूंगा आज, तो इसलिए वो नहीं जाने दे रहे अपन को। तो गाइज अपन को रुकना ही पड़ेगा, फिर पापा से बात कर ली उन्होंने, तो इसी कारण। तो गाइज आज देखते हैं, आज वो ऐसे बोल रहे हैं तेरे को घुमा के लाता हूँ मैं, तो अपन दिखा कहाँ पर चलते हैं घूमने के लिए। वो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जब जाके पता चलेगा आपको भी। और ऐसे तो कहाँ से पता चलेगा, लेकिन बहुत बहुत घूमेंगे आज, दिखा देखते हैं कहाँ कहाँ पर घूमने जाते हैं अपन। और गाइस मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, गजब आनंद आएगा आज सभी को, मैं आशा कर सकता हूँ। और गाइस देखते हैं दिखा कहाँ कहाँ चलते हैं अपन घूमने, ठीक है गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। और गाइस मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको मेरी वो मैं और मेरी दादी इमोशनल हो गए थे, मेरी मतलब इससे पहले वाली वीडियो है तो वो अपलोड की थी मैंने यूट्यूब पर, तो इसलिए आपको मैं आपको पसंद आई होगी। क्या गाइस यार अभी फैमिली की इमोशनल मैं आप सभी से शेयर कर लेता हूँ इसीलिए। तो गाइज़ आप भी मुझे थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते कमेंट कर दिया करो यार गाइज़, जिससे मेरे को पता रही यार कौन कौन वीडियो देखता है मेरी, इसलिए गाइज। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। और देखना गाइज, और अपन आगे अभी काफ़ी सारी जगह घूमने जाएंगे यार शायद, देखा देखते हैं आगे कहाँ कहाँ चलते हैं अपन, ठीक है गाइज। गाइज अभी हम घूमने के लिए निकले हैं, आपको बताया मैंने आज घूमने चल रहे हैं अपन। तो गाइज़ अभी खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, ढाबा है उस पर। और गाइज़ आप मेरे पीछे की साइड देख सकते हैं, अभी खाना खा रहे हैं, क्या करें, मेरे पीछे रोड जा रहा है, तो अभी पास नहीं है रोड के, उधर गाड़ी में CNG भरवा रहे हैं। और गाइज़ अभी देखते हैं काम पर चलते हैं, लगभग यार शाम के 3 बज गए यार गाइज़, तो देखते हैं आगे कितने बजे तक पहुँचते हैं अपन, कितनी देर तक, ठीक है गाइज़। देखो ये खाना खा लिया तूने? तो गाइस मैं भी खाना खा लेता हूँ यार, सुबह से भूख लग रही है, ठीक है गाइस। यार अपन ने खाना तो नहीं लेकिन दाल चावल खा लिया, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, एक नंबर मज़ा है। और गाइस देखते हैं अभी आज शाम को कहाँ कहाँ पर चलते हैं अपन घूमने के लिए, बहुत सारी जगह जाने वाला है ऐसे तो, लेकिन यार टाइम हो गया लगभग 3 बज गए, तो देखते हैं कहाँ पर चलते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी तो रोड पर ही है, अभी धीरे ही थोड़े ही टाइम में अपन चलते हैं यहाँ से घूमने के लिए, फिर बहुत मज़ा आएगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हम घूमने जा रहे हैं ना, तो घूमने में जा रहे हैं आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर जा रहे हैं, तो मतलब थोड़ा हिंट दे सकता हूँ मैं आपको। तो गाइस जैसे कि हम जा रहे हैं, मतलब कहा जाता है, मैंने सुना है, मैंने भी सुना है कि गाइस हम जैसे उस जगह को बोलते हैं इंडिया का छोटा पेरिस, पूरे इंडिया का छोटा पेरिस बोलते हैं उसे, तो देखते हैं, बोलते तो छोटा पेरिस है इंडिया का, और देखते हैं आप समझ गए होंगे, अगर आपको पता होगा तो गाइस देखते हैं आज शाम को चलते हैं, देखिए पीयू हमारे। तो गाइस चलते हैं दिखा थोड़ी देर में, बस वो खाना खा लें अपने मामा जी, फिर चलते हैं आप। तो गाइज अभी फ़िलहाल में हम आए हैं जयपुर, आपने सही सुना, हम जयपुर में आए हुए हैं। तो आप मेरे पीछे की साइड दिख रहा होगा आपको, मेरे पीछे की साइड देखिए, बहुत देख रही है आमेर, इसे आमेर का किला है, ये जयपुर का प्रसिद्ध किला है, बहुत ही शानदार यार, मस्त है, मस्त है, आमेर का किला है, देखिए आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए पानी भरा हुआ है, और पीछे की साइड किला बहुत बड़ा है यार, देखिए बहुत बड़ा, मतलब नदी हो गई है यार, देख सकते हैं आप पीछे की साइड, बहुत बड़ा है यार, मस्त है, देखिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं आराम से, यहाँ पर देखिए फोटोशूट चल रहा है अभी सभी का, आगे खींचने का बहुत चल रहा है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार जयपुर में आकर, बहुत मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी दिनों बाद में आया, मैं भी बहुत टाइम बाद में आया, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में,
अभी तो हम आमेर के किले और फिर देखते हैं और कहाँ कहाँ पर चलते हैं अपन। अभी तो अपन अंदर नहीं चल सकते, क्या है शाम हो गई तो बाद में चलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो और दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी बस फ़ोटो खिंचाना था तो खिंचा लिया, और अपन अभी तो दूसरी जगह पर चलते हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं अपन गाइस। ठीक है गाइस, फिर रुक गए यार हम, और आप रुके हैं जल महल के पास। जल महल, आपने सही सुना, जल महल जो मतलब चारों तरफ, चारों पांचों तरफ सभी जगह उसके पास में, आसपास में चारों तरफ वो पानी के अंदर है। जल महल मतलब पानी के बीचों बीच में, जैसे समुंदर होता है छोटा समुंदर की जैसे वो है वहाँ पर। तो गाइज़ अभी देखिए आप ऊँट देख रहे हैं कैमल। तो गाइज़ अभी क्या है, वो पीहू और छोटा भैया उसका, तो वो दोनों फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं इस पर। तो हमारे राजस्थान की तो शान है ऊँट, और काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं ऊँट भी यार। आजकल तो यार इनकी जातियाँ प्रजाति छुप गई यार, आजकल लुप्त होती जा रही है भी। तो इसलिए गाइज और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। पीहू और वो प्रियांशु कैसे घूम रहे हैं ऊँट पर, डर लग रहा है उनको, डर लगा तो देख कैमल पर बैठ। अभी आ चुके हैं हम हवा महल जा रहे हैं। गाइस गाड़ी पार्किंग लगा दी हमने, अब जा रहे हैं गाइस, देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है यार, मैं बहुत ही एक्साइटेड मैं हूँ। और अब चलते हैं थोड़ी देर पर, पहुँच चुके हैं हवा महल, रस्ते में अभी टिकट नहीं लिया हमने, अब देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए पब्लिक पहुंच चुके हैं हवा महल, आगे अपन ने एंट्री क्रॉस कर लिया, और पीछे देख सकते हैं अपना थोड़ी देर में पूरा हवा महल घूमेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया यार, जयपुर में इतनी बार आ गया, काफ़ी बार आ गया, लेकिन आज मैं भी जाऊँगा ऊपर, बहुत मजा आने वाला है यार। अपन खिड़की में देखेंगे बाहर गाइस, अपन चलते हैं, देखिए बहुत मजा आने वाला है, और देखते हैं आप बनाए। देखिए पीछे की साइड देख सकते हैं, आ गए हैं हम। तो गाइस इस हवा महल का निर्माण लगभग 1799 मतलब सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था यार। गाइस देखिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं कितनी बड़ी, देखिए कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है यार, देखिए कितनी पब्लिक आई हुई है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है यार आज घूमने। ऊपर चलते हैं यार, ऊपर भी देखते हैं क्या क्या सीन है, कितना मज़ा आने वाला है, बहुत यार मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं ऊपर, तो फाइनली गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए यार बहुत मज़ा आ रहा है यार आज, बहुत मज़ा, हमारे भैया से मिलिए। और गाइस देखिए कितनी गजब जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है, कितनी पब्लिक हो रही है देखिए, मतलब दूर दूर से लोग भाग आते हैं, बाहर से, विदेश से, अपने देश कंट्री से, बाहर से, इंडिया से भी, मतलब काफ़ी शहरों से, काफ़ी सिटियों से, बाहर से लोग भाग देखने आते हैं, राजस्थान से, भारत से, भारत से बाहर के। पीछे का बैकग्राउंड देखिए मेरे, बहुत अच्छा है यार। ठीक गाइस देखिए आप, मैं पीछे दिखा सकता हूँ कि यार इसकी बनावट कितनी गजब है ना, बहुत यार मतलब बहुत प्यारी है बनावट। और क्या है मतलब पहले का टाइम था, महलों के मतलब राजा महाराजों का समय था, तो उस टाइम से ही महल राजा महाराजों द्वारा ही बनाया गया है। देखिए काफ़ी अच्छी बनावट है यार, बहुत अच्छी बनावट है यार, मतलब मन खुश हो गया यार देखते ही, बहुत अच्छी बनावट है। आपको मैं पूरा बताता हूँ, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब जैसे जेल की बॉर्डर होती है वैसे ही है, उधर तो क्या है सन आ रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और देखो कितनी पब्लिक आती है यार देखने, बाहर बाहर से लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाने का, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, रील्स इंस्टा पे काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग फ़ोन का तो यूज़ पूछे मत बात भाई, बहुत ज़्यादा। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है यार घूमने में, बहुत, आप भी आओ ज़रूर आइए गाइस, हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध है यार, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध।
बहुत मजा आता है यार गाइस, यहाँ पर बहुत मजा। दूसरी जगह चलते हैं, को लेके चलता हूँ। आज पूरा हवा महल घूमेंगे अपन। तो गाइस अभी तो वहाँ पर चलते हैं दूसरी जगह, हवा महल का चप्पा चप्पा छान मारना है अपन। गाइस देख सकते हैं यार आप, बहुत मतलब बहुत अच्छा यार बना रखा है। देखिए और बाहर देखिए यार, बाहर आ गए अपन, पहले वहां पर थे, देखिए कितनी पब्लिक है और अब यहां पर आ गए। इस जगह से और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए ये विंडो है ना, तो इसमें चलते हैं बाहर विंडो, बिल्कुल हवा महल की बाहर विंडो में। देखिए यार दूसरी जगह आ गए, देखिए बाहर बताता हूँ आपको मेरे पीछे। बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं बाहर का माहौल। देखिए ये पीछे मेरे खिड़कियाँ हैं, बहुत सारी, देखिए मतलब तीनों खिड़कियाँ हैं बाहर जाने के लिए, मतलब इमरजेंसी तो पूछ जाओ ऊपर की, सबसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, ऊपर भी चलेंगे आपको लेके। ऊपर आ गए हैं, ऊपर देखिए माहौल बहुत अच्छा है यार। देखिए आ गए अब तो यार, सभी लगे हो गए यार, अभी हम सबसे ऊपर आ गए। देखिए कितनी पब्लिक हो रही है यार, बहुत ज्यादा। और देखिए पूरा क्या होता है और आगे चलते हैं गाइस, मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। हाँ तो गए नीचे, क्या है वो मामा जी ना, वो गए नहीं ऊपर, उन्होंने नीचे बुला लिया हमें जल्दी, ऐसे बोले कि और चल सकते हैं कहाँ कहीं पर भी, देखते हैं कहाँ पर चलते हैं, बोल तो रहे थे, देखते कहाँ पर चलते हैं। और देखिए आपको दिख रहा होगा क्या उल्टेक्स रूम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रताप मंदिर, तो पर देखते हैं प्रताप मंदिर, बहुत मजा आने वाला है यार। देखिए महाराणा प्रताप, उनके बारे में लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई है। तो गाइस देखिए मूर्तियाँ, मतलब आप कितनी साल बताओ, मैं भी बहुत है ना साल है, बहुत पुरानी 17वीं शताब्दी। तो गाइस बड़ी मूर्तियाँ है यार बहुत सारी, बाहर जा रहे हैं यार, पीछे देख सकते हो कितनी बड़ी, मतलब यार महाराजों का टाइम उस टाइम पर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है यार। चले जाओ बाहर, चले जाओ बाहर, चले जाओ का मतलब बहुत यार, चलते हैं बाहर कितने देखते हैं। फाइनली बाहर आ चुके हैं और देखिए कितनी रात हो गई यार, कितने दिन बस गए थे और रात हो गई घूमते घूमते यार, कितनी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी यार गाइस, बहुत पब्लिक, मतलब लोग बाहर से भी आता था घूमने के लिए, तो
क्या है आप लोगों को घूमने का, मतलब राजा महाराजों का देखने का बहुत यार बहुत वो। गाइस मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सभी को मेरा अभी तक का व्लॉग तो पसंद आया होगा यार। गाइस यार बहुत मेहनत से आया यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत मज़ा आया यार बहुत ज़्यादा, और आपको भी आया। मुझे आशा है कि आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। गाइस यार अभी तो बाहर खड़े हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ पसंद आता हूँ आपको। मैं जयपुर का मार्केट दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है यार। देखिए मार्केट है यार, बहुत शानदार है यार, बहुत। देखिए कितनी प्यारी सिटी है यार, बहुत प्यारी सिटी है, मतलब पूरा जयपुर जगमगा रहा है यार। अभी तो ओवर नाइट होगी, जब और शानदार होगा। तो आपने बताया यार, गाइस हम बहुत अच्छी से गए हैं, आपको बताएंगे। बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आ रहा है ना? हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है ना? हाँ। तो गाइस सभी को बहुत मज़ा आ रहा है और आपको मज़ा आना चाहिए, मैं आशा कर सकता हूँ गाइस। और अभी तो गाइस अपना व्लॉग काफ़ी लंबा चलेगा आज, बहुत बहुत अच्छा है गाइस, देखना लास्ट तक। आगे देखिए आपको अंदर का सीन बताते हैं। देखिए यार काफी पुरानी चीजें है, देखिए पुराना गांव का टाइम है। गन्स देखिए बहुत आराम से घूमना, हाथ काफी सारी चीजें है गाइस यार। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ है, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ है। देखिए आपको मैं उन्हें पीछे बताता हूँ, ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ है, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ है गाइस। बस मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब हिस्ट्री अपनी अगर वीक हो तो यहाँ पर आ जाओ, सब चीज़ समझ में आ जाती है हर चीज़। देखिए गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ है यार। देखिए महाराजाओं की पोशाक, मतलब उनके कपड़े यार, देखिए कितनी बड़ी साइज है यार, बहुत बड़ी साइज है। ये उनकी रानियों के, उनके सभी के वस्त्र है यार, मतलब संस्कृत भाषा में बोले तो वस्त्र है, बहुत अच्छे हैं। देखिए गाइस और कितनी सेफ्टी से रखा हुआ है यार गाइस, बहुत अच्छे तरीके से। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए तो गाइस ये देखिए आप, बहुत ही तगड़ा है यार अर्बर्ट होल, देखिए कितना अच्छा मॉडल है यार, बहुत अच्छा मॉडल है। देखिए देख सकते हैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत मतलब यहाँ की फेमस है अर्बर्ट होल की सबसे शानदार चीज़ है। देखिए आप देख सकते हैं मम्मी, द मम्मी मिस्र देश से प्राप्त है, कुछ नहीं मूर्ति देह है यार। अर्बर्ट होल को देखा आपने, बहुत यार बहुत शानदार था। अब महल भी गए पर बहुत मज़ा आया अपन को, अभी देखते हैं, अभी तो घर पे चल रहे हैं शायद, और देखते हैं बीच में एक और जगह जगह चलने का प्लान है अपना, तो आगे देखते हैं अपन। तो गाइस बहुत मज़ा आया होगा, मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी से। गाइस यार मज़ा आया तो आप लाइक करते रहिए गाइस और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और आगे आगे व्लॉग को देखिए, आज बहुत बड़ा व्लॉग है यार, बहुत मज़ा आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कहाँ पर हूँ मैं, तो गाइस अभी आया हूँ मैं जल महल, तो आपको बताऊँगा रात का सीन है, तो अभी ज़्यादा क्लियरिटी तो है नहीं फ़ोन में, लेकिन फिर भी आपको बताऊँगा जितना हो सके जितना। ठीक है गाइस मस्त वीडियो, आज का मज़ा आ गया वीडियो बनाने में, मेरे को भी खूब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, देखते हैं और आगे आगे। तो गाइस देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट, मैं जूम करके बताता हूँ, ये है जल महल। देखिए रात का कितना शानदार सीन है यार, देखिए बहुत मतलब चारों तरफ पानी ही पानी। अब दिन में तो बताता मैं आपको, लेकिन अभी रात हो रही है, तो देखिए बिल्कुल पानी के बीच में जल महल यार। गाइस गाइस देखिए और लाइटें हो रही है यार, बहुत ज़्यादा पूरा जयपुर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम है जयपुर में, बहुत लग्जरी सिटी है यार, इंडिया का छोटा पेरिस है। तो गाइस यार आज तो यार अपन ने काफ़ी सारी मस्ती की, बहुत मज़ा आया गाइस यार, बहुत
आपको मैंने हवा महल देखा पढ़ने, आमेर का किला देखा गाइस, और जल महल भी देखा पढ़ने। बहुत मज़ा आया होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ गाइस। और गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा गाइस, और गाइस कमेंट करके बताइएगा गाइस अपन और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। आपको आप सजेशन दे सकते हो मुझे, और कमेंट करके बताइएगा, एक ये कमेंट भी किएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो ब्लॉग। तो गाइज़ ये आपके लिए स्पेशल ब्लॉग था, तो गाइज़ प्लीज़ गाइज। और गाइज़ आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो आप इसे न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़। और गाइज़ अपन अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइज़ अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।